हेलो मॉमीज, मैं हूँ अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज का वीडियो फिर से बेबीज़ के ऊपर है। तो आज हम बात करेंगे टमी टाइम के ऊपर कि टमी टाइम क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कब स्टार्ट करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट हैं और किस तरह से आप दे सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टमी टाइम? तो टमी टाइम क्या होता है? जस्ट अपने बेबी को पेट के बल लेटाना, बेबी को अपने पेट के बल लेट के टाइम स्पेंड कराना इज टमी टाइम। सिंपल, राइट? बट बहुत लोगों का कंसर्न होता है, लाइक मेरी मॉम का भी कंसर्न था कि इतने छोटे बच्चों को पेट के बल नहीं लेटाते हैं, उसको वॉमिट हो सकती है, उसको पेट दर्द हो जाएगा, उसकी स्टमक मसल्स पेन करने लगेंगी, इतने छोटे बेबीज़ को नहीं रखना चाहिए। बट मैंने बेबी केयर वर्कशॉप अटेंड करी थी और उन्होंने मुझे स्टेप बाई स्टेप नॉलेज दी थी किस तरह से टमी टाइम को ग्रेजुअली आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे बेबी भी अनकम्फर्टेबल नहीं होगा, बेबी भी इस पोजिशन को इन्जॉय करेगा और इसका जो बेनिफिट है वो आपको इनिशियल वीक से ही देखने को मिल जाएगा। तो बस इसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी स्टेप बाई स्टेप चलना है, एक पैटर्न के साथ आगे बढ़ना है। तो किस तरह से बढ़ना है उस बारे में आज बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई टमी टाइम इज इम्पॉर्टेंट? टमी टाइम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेक बैलेंस। आपका बेबी, जैसे आइडियली बेबी 2-3 मंथ्स में नेक बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। माय बेबी हैड स्टार्टेड बैलेंसिंग हर नेक फ्रॉम द 1 month। तो वो इसीलिए क्योंकि मैंने 1 week से ही उसको टमी टाइम देना स्टार्ट कर दिया था। तो टमी टाइम में क्या होता है, जब भी बच्चा पेट के बल लेटता है तो वो अपनी नेक को ऊपर उठाता है, इधर उधर देखता है, सारी चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को या जो कुछ भी है उसकी सराउंडिंग में हर चीज़ को नोटिस करता है। तो इसलिए उसकी जो नेक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है और वो जल्दी से नेक बैलेंस करना सीख जाता है। सेकेंड बेनिफिट होता है रोल ओवर का, मतलब करवट चेंज करने का। एंड सिमिलरली रोल ओवर भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप बच्चे को टमी टाइम एक राइट एज पे इंट्रोड्यूस करा रहे हो। समायरा ने अराउंड 3 months से रोल ओवर करना स्टार्ट कर दिया था और एक बार जब बेबी रोल ओवर करना स्टार्ट करने लगा है तो वो अपने आप ही अपनी साइड्स चेंज करने लगा। फिर आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसका टाइम ध्यान रखने की, या खुद ही टमी टाइम इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बेबी अपने आप ही उलट पलट होते रहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आता है बैक स्ट्रेंथनिंग का। पूरे दिन बेबी अगर बैक के बल लेटा हुआ है तो ऑब्वियस है उसकी बैक में पेन होना या मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको थोड़ी सी देर साइड चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप टमी टाइम में उसको रखेंगे तो बेबी बहुत ऊपर तक भी उठने लगते हैं, अपना चेस्ट भी अप करने लगते हैं ऊपर देखने के लिए, तो उनकी बैक बोन की बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इस तरह से उनकी बैक की भी अच्छी स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज होती है। तो इस तरह से बैक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। नेक्स्ट बेनिफिट है मोटर स्किल्स का। बच्चों की मोटर स्किल्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। 1 month से नहीं बट 2-3 months के बाद वो ग्रेजुअली चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ पे रिएक्ट करना, और उसके बाद की जो भी स्टेजेस हैं वो उतनी ही जल्दी स्पीडली आगे बढ़ेंगे, उसकी मोटर स्किल्स इतनी जल्दी डेवलप हो जाएंगी। एंड सिमिलरली ये भी बेनिफिट है उसकी शोल्डर मसल्स का, हैंड मसल्स का, इनको भी स्ट्रेंथनिंग मिलती है, इनकी वेट एक्सरसाइज होती है अगर वो पेट के बल लेटेगा। नेक्स्ट बेनिफिट, फ्लैट हेड से बचा जा सकता है अगर आप अपने बेबी को टमी टाइम ज़्यादा देंगे। बिकॉज अगर आप पूरे टाइम 24 hours बेबी को बैक के बल लिटाएंगे तो उसका जो बेबी का हेड का जो शेप होता है, इस पर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी बहुत जल्दी ही कि फ्लैट हेड अगर आपके बेबी का हो गया उसके लिए क्या क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, किस तरह से फ्लैट हेड को अवॉइड किया जा सकता है। तो टमी टाइम में फ्लैट हेड क्यों आ जाता है? बिकॉज आप बेबी को बैक के बल लिटाए और जो हेड होता है बेबी का वो इतना सॉफ्ट होता है कि किसी भी शेप में ज़्यादा देर तक रहेगा और वो शेप लेना स्टार्ट कर देती है उसकी हेड की मसल्स। तो इसलिए जब आप उसका टमी टाइम ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो हेड की शेप में कोई फर्क नहीं आएगा। इनफैक्ट मुझे ये भी बेबी केयर वर्कशॉप में बताया गया था कि अगर आपका बेबी सो भी रहा है, बिकॉज सोते हुए बेबी को टमी टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, सो दैट उसकी नोज प्रेस ना हो और सोते हुए कोई एक्सीडेंट ना हो। इसीलिए सोते हुए भी बेबी को पूरे टाइम बैक के बल नहीं लेटना है, उसको आप धीरे से उठा के साइड में लाइक करवट दिला सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए थोड़े थोड़े टाइम में, जिससे उसका हेड फ्लैट ना रहे। एंड करवट पे साइड पे बच्चे 1 week से लेटना स्टार्ट कर देते हैं, बिलीव मी कोई अनकम्फर्ट नहीं होता है। मैंने खुद ट्राई किया है, 1 week की समायरा थी तब से ही मैंने उसको साइड्स पे लेटाना स्टार्ट कर दिया था,
पहले इनिशियली मैं सपोर्ट से लिटाती थी, लाइक अपनी आर्म्स पे लिटा के, देन मैं उसके ही सपोर्ट से उसको इंडिपेंडेंटली लिटाना स्टार्ट कर चुकी थी साइड्स पे। तो एक तो उसको उसका फ्लैट हेड से अवॉइड हो जाता है, सेकेंडली उसकी बैक को रिलैक्सेशन मिलता है, एंड थर्डली जो साइड की मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट जो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, गैस का रिलीफ होता है। अगर आपने, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा कॉलिक और गैस की प्रॉब्लम रहती है, अगर आप उसको टमी टाइम ज़्यादा देंगे तो जो भी गैस होगी वो पेट दबने से बाहर आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है अगर गैस प्रॉब्लम है और आप टमी टाइम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन टू इंट्रोड्यूस टमी टाइम। तो ऑनेस्टली कोई भी इसका राइट टाइम नहीं होता है। आप एज अर्ली एज पॉसिबल, लाइक वन डे के बेबी को भी टमी टाइम दे सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस हैं उनके साथ। तो जैसे कि हर हॉस्पिटल में अलग रूल्स होते हैं, लाइक जैसे मेरे यहाँ था कि जब तक बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं फॉलो ऑफ होगी तब तक उसको ना ही बाथ दिलाना है, ना ही मसाज करनी है, और ना ही कुछ भी उसको बेबी प्रोडक्ट यूज़ करना है, बिकॉज उसकी कॉर्ड पे कोई इन्फेक्शन ना हो। बट वहीं कुछ हॉस्पिटल्स में फर्स्ट डे पे ही प्रॉपर बेबी को बाथ दिला देते हैं। समायरा का कॉर्ड जो निकला था दैट वॉज 8th डे, तो 9th डे से हमने उसको मसाज बाद सब कुछ प्रॉपर कराना स्टार्ट कर दिया था। तो आइडियली अम्बिलिकल कॉर्ड गिरते ही 8 to 10 days में आप कभी भी टमी टाइम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बस उसका रीज़न ये होता है कि उसमें एक क्लिप लगी होती है, वो उससे वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल ना हो, इसीलिए 8 से 10 दिन का वेट करना चाहिए। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं, आप day 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ, किस तरह से टमी टाइम को इंटरेस्टिंग बनाना है और टमी टाइम किस तरह से देना है। तो सिंपल, इनिशियली आप कुछ सेकंड से स्टार्ट कीजिए, लाइक 30-40 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद उसको अगेन बैक केबल लिटा दीजिए। देन आप इन्हीं ग्रेजुअली उसके टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, 1 to 5 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं। बट आपको इस तरह से दिन में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार ज़रूर देना है। तो इनिशियली अगर आप 8 से 10 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको 30-40 सेकंड से स्टार्ट कीजिए और दिन में 3 से 4 बार उसको टमी टाइम दीजिए। अब आपको लगेगा कि बेबी अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, ऑटोमेटिकली वो इस रूटीन में आ जाएगा, बिकॉज ये उसके लिए थोड़ी न्यू थिंग है। एंड या सारे बेबी इसमें अनकंफर्टेबल नहीं होते, कुछ बेबी इसको इंजॉय भी करते हैं। तो जब भी आपको लगे बेबी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप उसको वापस से बैक टू पोजिशन में ले आइए एंड कुछ मिनट्स बाद फिर से ट्राई कराइए। तो इस तरह से आपको हार नहीं माननी है, थोड़ी थोड़ी देर में ट्राई करते रहना है, और ग्रेजुअली आप नोटिस करेंगे ये टाइम पीरियड आपका 30 सेकंड से 1 मिनट टू 5 मिनट टू 10 मिनट्स तक इंक्रीज हो जाएगा। एंड 1 महीने के अंदर ही आपका बेबी आधे घंटे का टमी टाइम एक बार में इंजॉय किया करेगा। और कई बार होता है हम सन बात करा रहे होते हैं, बेबी को धूप में लेटाया हुआ है, तो पेट के बल उसको लिटा दीजिए, बहुत देर तक एंजॉय करता रहता है, उसको सन बात भी मिलती रहती है, और 30-40 मिनट तक भी बेबी इंजॉय करते हैं। और ये आपको तब तक कराना है जब तक कि आपका बेबी रोल ओवर करना स्टार्ट नहीं करता है। समायरा ने लाइक 3 मंथ्स के अराउंड रोल ओवर करना स्टार्ट कर दिया था, और एक बार जब रोल ओवर करना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपने आप ही उलट पुलट होते रहते हैं, फिर आपको इतना टाइम टेबल से इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसकी नेक बैलेंस नहीं हो रही है 3 मंथ्स तक, या उसका 6 मंथ तक रोल ओवर करना नहीं शुरू किया है, तब ये थोड़ा सीरियस मैटर है, आपको टमी टाइम बहुत सीरियसली फॉलो करना है। अब टमी टाइम को कैसे इंजॉय कराना है, वो अनकंफर्टेबल ना हो, बच्चे खूब इंजॉय करें, उसके लिए क्या करना है, तो उसको उसके सराउंडिंग में कुछ चीज़ें लगा के, सबसे पहले तो बच्चों को 1 वीक तक, मैं एक विज़न पे भी वीडियो बनाऊंगी कि कितना विज़न आने लगता है बच्चों का, जो मैंने खुद स्टडी किया था और जो मुझे बेबी केयर वर्कशॉप में एक्सप्लेन किया गया था कि ग्रेजुअली आप किस तरह की चीज़ें दिखा सकते हैं कि बच्चों को वो दिखना शुरू हो जाए। तो इमीडिएट बर्थ से लेके 1 वीक तक बच्चों का विज़न बिल्कुल ब्लर होता है, वो सारी चीज़ें नहीं देख पाते, बहुत ब्लरी विज़न होता है। तो ऐसा लगेगा आपको कि वो उसको देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, मुझे बुला रहा है, बट ऐसा नहीं है। उसको एटलीस्ट 4-5 डेज तक कुछ नहीं देखता, बहुत ब्लरी विज़न होता है। एंड ग्रेजुअली जो 8 to 10 डेज बाद जो उसका विज़न क्लियर होता है, दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट वाला विज़न। तो आप उसको कंट्रास्ट चीज़ें दिखाएं, लाइक आपने बहुत सारी कलरफुल बलून्स या कलरफुल टॉयज उसके सामने ला के रख दिए हैं 1 वीक के बेबी को या 2 वीक के बेबी को, बट नो यूज़, उसको ये कलर्स नहीं दिख रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको ग्रेजुअली चलना होगा। तो लाइक अगर 2 वीक का बेबी है तो उसको ब्लैक एंड वाइट
कलर्स दिखते हैं, तो आप कंट्रास्ट कलर्स वाली चीज़ें उसको दिखा सकते हैं, वो उसको अट्रैक्ट करती हैं। लाइक चेस बोर्ड होता है या कुछ भी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें होती हैं, वाइट सरफेसेस होती हैं, वो चीज़ें बच्चे अट्रैक्ट करते हैं। एंड 20-30 डेज बाद उनको कलरफुल चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेड देन ऑरेंज, इस तरह से जो ब्राइट कलर्स हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 20-30 डेज बाद आप बलून्स हैं या जो भी कलरफुल चीज़ें हैं उसके सराउंडिंग्स में लगा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, तो उसको एंजॉय आना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट होता है रैटल्स दिखा के। अगर बच्चा आपका टमी टाइम में है, आप उसको रैटल्स की नॉइज दिखा के आप जिस तरफ को बजाएंगे वो उधर को टर्न करेगा, आप दूसरी तरफ आप उसके सामने वॉक करके दिखा सकते हैं, उसको आवाज़ देके नेम लेके बुला सकते हैं, तो वो इधर उधर आपको देखना शुरू करेगा, फॉलो करना स्टार्ट होगा, तो उसकी आईज़ की भी एक्सरसाइज होगी। तो उसकी बच्चों की आई मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बिकॉज अगर वो बैक के बल लेटा हुआ है तो वो सिर्फ इतना देख सकता है, वहीं अगर बच्चे जब टमी टाइम पे होते हैं तो वो चारों तरफ अपनी गर्दन हिला डुला के ऊपर नीचे हर तरफ को उनकी नेक जो होती है फ्री हो जाती है मूव करने के लिए। इसलिए आपको जितनी एक्टिविटीज़ होंगी, आपको लगेगा इतना छोटा बेबी है मुझे इतना एफर्ट क्यों करना है, बट यार जितनी जल्दी आप ये एफर्ट करेंगे आपका बेबी उतनी जल्दी जल्दी माइलस्टोन्स आप जल्दी कवर करता चला जाएगा। तो अगर 15 डेज का 2 वीक का भी बेबी है तो वो इन चीज़ों पे रिएक्ट करता है, बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। आप उसका नाम लेके उसको बुलाएंगे, उसके सामने से वॉक करते हुए जाएंगे, इधर उधर उसके नॉइज़ क्रिएट करेंगे, रैटल्स बजाएंगे, तो उन चीज़ों पे वो रिएक्ट करता है। नेक्स्ट चीज, अगर बेबी अनकंफर्टेबल हो रहा है या उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज इनिशियली आपको इंटरेस्ट क्रिएट कराना पड़ता है रादर देन वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। सारे बेबी अपने आप एडजस्ट नहीं होते तो उनको एडजस्ट कराना पड़ता है। तो जब भी आपका बेबी टमी टाइम है तो आप अपने बेबी के आई लेवल पे अपना फेस रखते हुए उसके सामने लेट जाइए और उससे बात कीजिए, बहुत एंजॉय करता है इस स्टेज पे बेबी। नेक्स्ट होता है आप मिरर लगा सकते हैं बच्चे के सामने, बिल्कुल पास नहीं, थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप मिरर लगा दीजिए, तो बच्चे मिरर को देख देख के बहुत खुश होंगे, उसमें वो एंजॉय करते हैं, कई बार अपने से ही बात करते रहते हैं। और मिरर वाला जो आइडिया, ये सबसे ज़्यादा वर्क करेगा जब आपका बेबी क्रॉल करना स्टार्ट करता है, वो मिरर को देख देख के ही कोशिश करता है आगे बढ़ने का, मिरर से बात करने का। तो मिरर का यूज़ आप टमी टाइम पर बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो मिरर का यूज़ आप क्रॉलिंग के टाइम पे ज़रूर कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरा बेबी नहीं एंजॉय करता है, बहुत सारी मदर कुछ आलस में क्यों इन चक्रों में पड़ना है, क्यों इतनी मेहनत करनी है, वो सिमिलरली हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरा बेबी नहीं पसंद करता या मेरा बेबी एंजॉय नहीं कर रहा है, माय बेबी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन दिस पोजीशन। बट ऐसा नहीं, आपको कंफर्टेबल कराना है, दिस इज़ अ फॉर बेटरमेंट ऑफ योर बेबी, नॉट अ पनिशमेंट और नॉट अ सम रिचुअल। तो उसकी मोटर स्किल डेवलप करने के लिए, उसकी नेक मसल्स, उसकी शोल्डर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही है, फॉर द बेनिफिट ऑफ योर बेबी ओनली। तो इसका कुछ ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं करना, आपको एंजॉय कराना है, और इनिशियल कुछ डेज ही आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एंजॉय करने लगेगा और आपको बहुत हैरानी होगी देख के कि 1 मंथ का बेबी भी क्रॉल करने की कोशिश करता है, अपने नीज को आगे लगाता है और 1-2 स्टेप, चाहे इतने से स्टेप है, उनको रगड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस कि 1 मंथ का बेबी सर से कैसे कर सकता है, जस्ट बिकॉज आप उसको राइट टाइम से राइट ड्यूरेशन के लिए टमी टाइम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा विजिबल चेंजेस अपने बेबी में, इतनी ज़्यादा ग्रोथ चेंजेस आप देख सकते हैं 1-2 मंथ की एज में ही। बात करते हैं प्रिकॉशंस की, विच यू हैव टू टेक केयर वाइल इंट्रोड्यूसिंग टमी टाइम टू योर बेबी। सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू पुट योर बेबी अंडर ऑब्जर्वेशन, या तो आप उसके साथ रहेंगे या कोई भी उसके सामने जरूर होगा, आप अपने बेबी को अकेले नहीं छोड़ सकते, स्पेशली ड्यूरिंग टमी टाइम, बिकॉज वो अपना हेड बैंग कर सकता है, नोज़ उसका फ्लोर पे लग सकता है एंड उसको इंजरी हो सकती है। एंड कई बार टमी टाइम में टायर्ड होके बेबी सो जाते हैं और सोते हुए अगर उनकी नाक प्रेस हो जाती है तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकती है। तो इस तरह के कोई भी एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए हमेशा बेबी को टमी टाइम अपनी ऑब्जर्वेशन में ही दिलाना है। सेकेंड, कोई भी जो भी सरफेस पे आप लिटा रहे हैं, वेदर आप फ्लोर पे लिटा रहे हैं या बेड पे लिटा रहे हैं, सरफेस जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड सरफेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ्लोर पे भी लिटा रहे हैं तो कोई सॉफ्ट मैट रख लीजिए, ब्लैंकेट बिछा सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो जिससे अगर एक्सीडेंटली बच्चे का हेड बैंग भी होता है तो उसको कोई इंजरी ना आए।
नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको इमीडिएट आफ्टर फीड बेबी को टमी टाइम नहीं देना है, बिकॉज उस केस में चांसेस होते हैं कि बेबी को वॉमिट हो सकती है. जो भी उसने मिल्क लिया है वो सारा निकल सकता है, या नहीं निकलेगा तो अनकंफर्टेबल हो जाता है. लाइक हम भी खाना खा के सीधा पेट के बल नहीं लेट सकते, एंड दैट इज़ वेरी रेगुलर प्रैक्टिस, वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग कि आपको खाना खाते ही या मिल्क देते ही बेबी को पेट के बल नहीं लेटाना चाहिए. एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर दैट ड्यूरिंग स्लीप, या ना ही बेबी टमी टाइम के ड्यूरेशन सो जाए, ना ही सोते हुए बेबी को टमी टाइम दीजिए, बिकॉज उसकी नोज़ प्रेस हो सकती है. बेबी सोते हुए साइड चेंज किया और उसकी नोज़ प्रेस हो गई, उससे कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है. ये बात मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं टमी टाइम उसको सोते हुए ना इंट्रोड्यूस करा दें, बिकॉज विच इज़ वेरी बैड, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है, ना ही आप सो जाएँ जब आपने बेबी को टमी टाइम दिया है, बिकॉज आप फिर देख नहीं पाएंगे अगर वो सो गया. ना ही आपको सोना है और ना ही बेबी को सोना है. और या फिर बेबी स्लीपी हो रहा है तो आप इमीडिएट उसकी साइड चेंज कर दीजिए, या टमी टाइम की ड्यूरेशन में ही सो गया है तो आप इमीडिएट उसको साइड चेंज कर दीजिए. सिमिलरली आपको भी नहीं सोना है अगर आपने बेबी को टमी टाइम की ड्यूरेशन रखा है, तो आप उसके साथ खेलिए, प्ले करिए या उसको देखते रहिए. तो बस यही बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, और 1 वीक से लेके 3-4 मंथ्स तक टमी टाइम ज़रूर इंट्रोड्यूस करिए. बहुत बेनिफिट होंगे, आपका बेबी बहुत जल्दी नेक बैलेंस करना सीख जाएगा. आपका बेबी फर्स्ट मंथ में ही नेक बैलेंस सीख जाएगा अगर आपने राइट टाइम पे टमी टाइम इंट्रोड्यूस करा है. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए. और गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसमें अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं. अभी आपको बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स या बहुत सारे आइडियाज़ या बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. एंड अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है या आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ. एंड बाय बाय.